सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एक 10 डेज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 10 डेज में प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करेंगे साथ में। तो उसके लिए अगर आपको आगे कंटिन्यू रखना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और 10 डेज में आपको विथ थ्योरी बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप कोर्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और आजकल मेकअप कोर्सेज मार्केट में काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप 10 डेज का कहीं वर्कशॉप भी लेते हो तो वो भी अराउंड आपको 40,000 to 50,000 तक कॉस्ट करता है। तो फॉर दोज जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मेकअप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, मतलब वो जानना बेसिकली चाहते हैं कि इसमें है क्या, मतलब कैसे हम कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। 10 डेज में मैं आपको ब्राइडल मेकअप तक की क्लासेस दूंगी। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हम जो चीज़ सीखेंगे, हम दो चीज़ें सीखेंगे, जिसमें जो आपकी फर्स्ट थिंग होगी वो होगी स्किन टाइप्स एंड स्किन प्रेप। ये दो चीज़ें जो हैं हम आज के सेशन में, आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप बेसिकली इसी क्या होता है, हम मेकअप करते हैं। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेकअप ग्रे हो जाता है या मेकअप केकी हो जाता है, फटने लग जाता है, ये किसी के मेकअप करते एक में आ जाते हैं, कोई किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें स्किन टाइप की नॉलेज नहीं होती, हमें नहीं पता होता हम कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं या हमें कौन सा प्राइमर लगाना है, हमें मेकअप से पहले स्किन को प्रेप कैसे करना है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो मेकअप जब भी आप करो, मेकअप जब भी आप सीख रहे हो, आपके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्किन प्रेप, कि हमें अपनी स्किन को रेडी कैसे करना है मेकअप के लिए, और हमें हमारी स्किन पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। मैं इसमें आपको प्रॉपरली शो करूँगी कि जो मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ उसमें मैं आपको एक तरफ हाई एंड रेंज भी दिखा दूँगी और एक तरफ अफोर्डेबल रेंज भी दिखा दूँगी। प्लस हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि आपको अपनी मेकअप की वैनिटी कैसे बनानी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं स्किन टाइप्स, हमारे 5 types ऑफ स्किन होती हैं। अब आपकी स्किन जानना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने ऑयली के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, तो ऑयली के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड होते हैं, तो आपकी स्किन और टाइट और ड्राई हो जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपने ड्राई के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, तो आपकी स्किन, मतलब क्योंकि ऑयल जो ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ऑयल होता है, तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और आप उसमें और ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो आपकी स्किन ख़राब होगी ही होगी, उसका मेकअप स्टे नहीं करेगा, मेकअप स्लिप उस पर होगा ही होगा। तो अभी हमें कैसे जानना है कि हमारी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है? इसका एक बहुत ईजी तरीका है, आप जब सुबह उठते ही सबसे पहले आपको चेक करना है अगर आपकी स्किन पर बहुत सारा ऑयल आता है। सुबह उठते ही कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं, डायरेक्टली उठते ही अगर आपका ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपकी स्किन काफ़ी टाइट फील हो रही है और कोई ऑयल नहीं है उस पर, तो आपकी स्किन ड्राई है। अब कॉम्बिनेशन स्किन ना बड़ी ट्रिकी होती है। कॉम्बिनेशन स्किन का क्या सीन होता है, हमारी स्किन हमारे फेस पे होते हैं दो जोन्स, दिस इज आर टी जोन एंड दिस इज सी जोन। अब जो हमारा सी जोन है अगर वो ड्राई है और जब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारे सिर्फ नोज और फोरहेड पे ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपका यहाँ पे ऑयल आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। और वही ऑपोजिट अगर कर लो, अगर ये एरिया ड्राई है और यहाँ ऑयल आ रहा है, तो भी आपकी कॉम्बिनेशन स्किन ही है, ठीक है। बाकी हमारी फोर्थ हो गई सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन आपकी ड्राई में भी हो सकती है, आपकी ऑयली में भी हो सकती है, बट सेंसिटिव स्किन कैसी होती है, जिस पे बहुत जल्दी से पैचेस आ जाते हैं। यूजुअली जो 80% ऑफ द सेंसिटिव स्किन होती हैं वो ड्राई ही होती हैं, बट कई ऑयली केसेस में भी सेंसिटिव स्किन आती हैं। तो जो हमारी सेंसिटिव स्किन है उसमें ड्राई पैचेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते ही एक में आ जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाता है, फिर दिस इज आर सेंसिटिव स्किन, जिससे आपको बहुत इजीली जो हमारी नसें होती हैं स्किन की वो विजिबल होती हैं देखने में ही, दैट इज वेरी पतली स्किन। उसके बाद फिफ्थ आती है हमारी नॉर्मल स्किन। अब नॉर्मल स्किन वाले हैं बहुत ज़्यादा लकी, क्योंकि नॉर्मल स्किन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई से भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और उनको कोई ऐसा सीन ही नहीं है ड्राई ऑयली का। तो अगर आप सुबह उठ रहे हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड सी हो रही है, बहुत इचिंग सी हो रही है फेस पे, दैट मतलब आपके सेंसिटिव स्किन है। अगर बिल्कुल नॉर्मल हो, ना ऑयल आ रहा है, ना ड्राई हो रहा है, ना टाइट स्किन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपकी है नॉर्मल स्किन, ठीक है। सो ये 5 types ऑफ स्किन होता है, और हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं वो हम इन 5 types की स्किन से करते हैं, चाहे आप CTM के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, CTM यानी क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, या फाउंडेशन सिलेक्ट कर रहे हो, या प्राइमर सिलेक्ट कर रहे हो, ब्लशर सिलेक्ट, आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, वो सब आप इन स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हो। नाउ अब हम करते हैं बात हमारे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज स्किन प्रेप। अब हमारा जो स्किन प्रेप होता है उसमें सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, स्किन प्रेप का मतलब होता है स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर करना।
अब स्किन जब तक मेकअप के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, आप चाहे कितने हैवी, कितने अच्छे, कितने महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर लो, आपकी स्किन डैमेज होगी, आपकी स्किन कभी भी उस पर एक बहुत स्मूथ फ्लॉलेस बेस नहीं बन पाएगा, फ्लॉलेस मेकअप नहीं हो पाएगा। तो स्किन प्रेप इज द मोस्ट मैंडेटरी पार्ट, जो आपको अगर आप डेली बेसिस का मेकअप भी कर रहे हो तो आपको करना ही करना है। तो स्किन प्रेप कैसे होती है? स्किन प्रेप में आप जो सबसे फर्स्ट करते हो दैट इज क्लेंजिंग, ठीक है। सेकेंड इज टोनिंग, थर्ड इज मॉइस्चराइजिंग। अब ये जो तीन चीजें होती हैं इन्हें हम कहते हैं CPM, CPM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये जब भी आप मेकअप करो तो ये बिल्कुल जरूरी होता है, आपको करना ही करना है। तो अब जो हमारा CTM होता है, ये विजिबल हो रहा है बोर्ड पे, हाँ, अब जो हमारा CTM होता है, CTM हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। अब वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन टाइप का CTM कौन सा है, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं? तो देखो, वैसे तो मोस्टली जो हमारा 80-90% ब्रांड्स होते हैं उनमें मेंशनड होता है कि ये ड्राई स्किन के लिए बना है, ये ऑयली स्किन के लिए है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, और नॉर्मल वाले तो वैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों का बड़ा ट्रिकी सीन होता है, ये कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या यूज़ करना है। तो सी, जब हम मेकअप, प्राइमर, CPM कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हम सुबह उठ रहे हैं, हमारे इस टी जोन में इतने से एरिया में ऑयल आ रहा है, ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये तो मेरी ड्राई है, तो मैं क्या करूँगी, पूरे फेस पे जो ड्राई के लिए प्रोडक्ट्स बने हैं, मतलब सी जोन के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है हमारा ना, मेकअप इसमें ज़्यादा दिखता है, तो हम हमारे सी जोन के अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर ये ड्राई है तो हम ड्राई के हिसाब से करेंगे, और जहाँ हमारे ये टी जोन पे ऑयल ज़्यादा आ रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, हम पाउडर से अच्छे से पैक कर देंगे, इस एरिया को हम पैक नहीं करेंगे, तो हमारा ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारी ड्राई वाला सीन भी डन हो जाएगा। अब हम प्रेपिंग की बात करते हैं। प्रेपिंग में भी हम जो भी हमारे प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन में अपने सीजन के अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारे फेस पे बड़ा है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि देखो सजेशन ये होते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट करो, इसके अलग करो, बट किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स लाएँ या हम अलग अलग इतने इतने एरिया पे करें, तो आप सी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करोगे। नाउ हम CTM पे आते हैं। आपका जो क्लेंजर आते हैं, क्लेंजर जो मार्केट में होते हैं वो बहुत टाइप्स के आते हैं, ठीक है, मतलब आपका क्लेंजर जेल बेस्ड आते हैं, वाटर बेस्ड आते हैं, क्रीम बेस्ड आते हैं। तो क्लेंजिंग अब आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आते हैं क्लेंजिंग मिल्क, क्लेंजिंग क्रीम्स, और आपके ये भी आते हैं उसमें क्लेंजिंग के आप फेस वॉशेज आते हैं। आप क्लेंजिंग में फेस वॉश भी कर सकते हो डायरेक्टली, हर बार ज़रूरी नहीं है क्लेंजिंग में आपको क्रीम की ज़रूरत पड़े। हाँ, इफ़ अगर आपके यहाँ फेस वॉश अभी अवेलेबल नहीं है, आप फेस वॉश अभी नहीं कर सकते हो, पानी नहीं है वहाँ पे, तो आप क्लेंजिंग क्रीम्स या क्लेंजिंग लोशन, क्लेंजिंग जेल्स अपने पास रखते हो। अब हमारे जो क्लेंजिंग हो गया पार्ट, अब हमारी आती है टोनिंग की बारी। टोनर्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, जो मेन यूज टोनर्स होते हैं दैट इज़ रोज वाटर, रोज टोनर, या फिर आपका एस्टिंजेंट, एस्टिंजेंट मीन्स ग्रीन टोनर भी एक हमारे पास आता है, तो वो ऑयली का होता है ग्रीन, एंड हमारा रोज़ वाला होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है। बाकी हर ब्रांड में डिफरेंट टाइप के टोनर्स आते हैं, यहाँ हम VLCC के टोनर्स की बात कर रहे हैं। हमारे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, मॉइस्चराइजर्स भी आपके ड्राई और ऑयली के लिए कॉम्बिनेशन सबके लिए अलग अलग आते हैं, ठीक है। अब आप कैसे, अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे आपको कौन सा चाहिए? एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप डिसाइड करो कि हम कोई भी प्रोडक्ट, आप प्राइमर ले रहे हो, फाउंडेशन ले रहे हो, आप CTM के लिए ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे होंगे ड्राई स्किन के लिए। जो उनसे भी प्रोडक्ट क्रीमी है या जिनमें भी ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है वो हम ड्राई स्किन के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट तक आप रहो, मैं आपको लास्ट में सारे प्रोडक्ट्स के सजेशन एंड एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। अब अगर आप बात कर रहे हो वाटर बेस्ड एंड जेल बेस्ड, ये जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। जो उनसे भी प्रोडक्ट में आपका जेल का कंटेंट ज़्यादा होगा या वाटर का ज़्यादा होगा वो आप ऑयली में यूज़ कर सकते हो। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। अब हम जब ड्राई में यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ऑयल बेस्ड एंड क्रीम बेस्ड, ऑयली में करेंगे तो हम वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड करेंगे। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया सीजन के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे,
सेंसिटिव स्किन ऑब्वियसली ज़्यादातर ड्राई स्किन के लोगों में आती है, तो हम ड्राई का यूज़ करेंगे। और अगर हम नॉर्मल स्किन पे बात करते हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका क्लेंजिंग टोनिक मॉइस्चराइजर पार्ट हो गया, अब कई लोगों को ये लगता है कि जो हमारा मॉइस्चराइजर है ये हमें ऑयली स्किन पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये क्रीम मतलब और ग्रीसी कर देगा स्किन को, ऐसा नहीं होता है। मॉइस्चराइजर्स में भी मैंने आपको जैसे कि बताया जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो लाइट वेट होते हैं, वो आपको ऑयली स्किन पे देने ज़रूरी हैं। CTM इज़ मैंडेटरी मेकअप से पहले अगर आपको एक अच्छा बेस चाहिए तो। अब हम क्लेंजर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे फेस में जो डस्ट है, डर्ट है, जो भी टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम पहले हटा दें, वो हमारे मेकअप में ना आए, ठीक है। फिर हम टोनर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी टाइप की अगर हम क्लेंजिंग अपने फेस पे कर रहे हैं, चाहे आप फेस वॉश कर लो चाहे आप क्लेंजर कर लो, तो हमारे फेस के क्लेंजिंग के टाइम पे पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम टोनर स्किन पे देते हैं। टोनर्स क्या करता है, उन पोर्स को क्लोज करने का काम करता है और स्किन को एक स्मूथ बेस देता है। फिर हम मॉइस्चराइजर यूज़ क्यों करते हैं, मॉइस्चराइजर हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मेरे पास ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पे क्या करेगा मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन को मॉइस्चर देगा, ठीक है, जो मेकअप के लिए ज़रूरी है, ब्लेंडिंग के लिए ज़रूरी है, बेस के लिए ज़रूरी है। अगर मैं ऑयली स्किन की बात करती हूँ तो हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि ऑयली स्किन पे हाइड्रेशन की कमी होती है, ऑयली स्किन पे वाटर बेस्ड कंटेंट की कमी होती है, तो वो हमारा जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर या स्पेशली ऑयली स्किन के लिए क्रिएटेड मॉइस्चराइजर होते हैं वो पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी है। ओके, सो अब जो हमारा फोर्थ है स्किन प्रेप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ प्राइमर। अब प्राइमर सबको पता है क्या करता है, प्राइमर क्या करता है, सबसे पहली चीज़ जो करता है प्राइमर आपकी स्किन को प्रेप करता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेप मतलब प्रिपेयर करता है मेकअप के लिए। सेकेंड, ये एक बैरियर बनाता है हमारी स्किन और मेकअप के बीच में, ठीक है। थर्ड हमारा ये क्या करता है, हमारी स्किन को एक स्मूथ बेस देता है, ठीक है। और प्राइमर एक और हमारा काम करता है जो हमारे बेस को सेट रखता है प्लस लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ये चार काम जो है हमारा प्राइमर कर रहा है। अब प्रेप कर रहा है क्योंकि हमारा जो प्राइमर है, जैसे अगर हम अब मैं आपको प्राइमर सबसे इजी वर्ड्स में बताऊँ, तो जब हम वॉल पे पेंट करते हैं तो हम एक प्राइमर देते हैं ताकि हमारी दीवार पे एक स्मूथ बेस आ जाए, तो वैसे ही जब हम स्किन पे कोई आर्ट कर रहे हैं, हमारे फेस पे मेकअप कर रहे हैं, तो हमें एक बेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर जैसे किसी की स्किन ड्राई है तो पील हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हमें उस स्किन को एक बेस देना पड़ेगा। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो ऑयल ज़्यादा है, ऑब्वियसली हम उस ऑयल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें प्राइमर देना पड़ेगा। अगर बाकी सारी स्किन के अकॉर्डिंगली, इस वजह से हमारा प्राइमर इज मैंडेटरी। अब सेकेंड पॉइंट है बैरियर। बैरियर इसलिए बनाता है क्योंकि प्राइमर क्या करता है, एक बेस बना रहा है आपके स्किन और मेकअप के बीच में। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम कई टाइप के मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब कोई किसी से एलर्जिक हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्राइमर क्या करता है, हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर बनाता है, जिससे कि वो मेकअप हमारी स्किन के अंदर ना जाए, हमारे पोर्स में ना जाए और हमारे स्किन को ख़राब ना करे, ठीक है। अब थर्ड जो हमारा होता है स्मूथ बेस। प्राइमर क्योंकि एक लेयर दे रहा है हमारी स्किन पे, जैसे कि अगर किसी के पोर्स हैं स्किन पे, जैसे कि अगर किसी की स्किन पे पोर्स हैं, तो प्राइमर क्या कर रहा है, हमारे पोर्स को कवर कर रहा है, हमारे पोर्स को फिल कर रहा है, जो कि हमारे पोर फिलिंग प्राइमर करते हैं। तो अगर वो फिल कर रहा है, तो जैसे कि अगर आप सोचो पोर्स स्किन में सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, तो अगर हमारे स्किन में पोर्स हैं, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, हमारे पोर्स ज़्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि मेकअप करने से हमारे पिंपल्स, एक्ने स्कार्स, पोर्स सब कुछ ज़्यादा ही विजिबल होते हैं, कुछ कम नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, उन पोर्स को फिल करेगा, तो उस वजह से हमें एक स्मूथ बेस मिल जाएगा। लास्ट सेट प्लस लॉन्ग लास्ट करता है, मतलब कि हम जब प्राइमर यूज़ करते हैं वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो मेकअप को एक पकड़ने के लिए, मेकअप को होल्ड करने के लिए भी हमें एक बेस चाहिए, जो कि हमारा प्राइमर करता है, हमारे मेकअप को स्टे ज़्यादा करवाता है, लॉन्ग लास्ट रखता है। और काफ़ी जैसे किसी के स्वेटिंग फेस पे बहुत होती है, तो उसको भी कई हद तक कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, अगर ड्राई स्किन में तो मॉइस्चराइज करता है, तो ये काम हमारा प्राइमर करता है। हम बात कर रहे थे प्राइमर की, अब हम आते हैं हमारे प्राइमर्स, ठीक है। अब प्राइमर में जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ईजी चीज़ सिखाई, आप इससे बहुत ईजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्किन पर क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जो हमारे प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर में भी कई टाइप के प्राइमर आते हैं, हाइड्रेटिंग प्राइमर, पोर फिलिंग प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, काफ़ी टाइप के प्राइमर आते हैं। तो बेसिकली हम अभी सिर्फ तीन टाइप्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ हाइड्रेटिंग, एक हमारा हो गया जेल बेस्ड,
क्रीम बेस्ड, और एक और ले लो आप लेट सपोज ये आपका हो गया वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड तो आपका हाइड्रेटिंग हो गया, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड और कोल्ड फिलिंग। अब हम प्राइमर कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर मेरी, मैंने आपको बताया पहले, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन की, वाटर कंटेंट की नीड है, और अगर वो नीड नहीं भी है तो भी आप जेल बेस्ड यूज़ करोगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर या जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो। हाइड्रेटिंग प्राइमर आप ड्राई स्किन पे भी दे सकते हो, बट विद सम क्रीम बेस्ड प्राइमर, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड होंगे हमारे ऑयली पे जाएंगे, तो ये दोनों तो हमारे ऑयली भी हो गए। ईजी उसमें आपको बताऊँ, ऑयली और नॉर्मल, ये हमारे दोनों टाइप की स्किन पे जा सकते हैं। अब जो हमारा क्रीम बेस्ड है ये हमारा जाता है ड्राई स्किन पे या नॉर्मल। नॉर्मल तो मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्मल पे सब कुछ जा सकता है नॉर्मल स्किन पे। तो ये हमारे क्रीम बेस्ड प्राइमर क्या करेंगे, हमारी स्किन क्योंकि फ्लैकी स्किन है, काफ़ी ड्राई स्किन है, काफ़ी उस पर पैचेज हैं, तो ये क्या करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा, उसको मॉइस्चर देगा, मॉइस्चर का कंटेंट देगा, तो ये आपके उसमें काम आता है। जो हमारे पोर फिलिंग प्राइमर होते हैं ये हम देते हैं पोर्स, जिनके ज़्यादा फेस पे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन स्किन पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा ए टी जोन जो है ये ऑयली है, तो ऑयली उस एरिया पे आप जेल बेस्ड प्राइमर को दे सकते हो, और जो हमारी ये वाला जोन होगा इस पे आप क्रीम बेस्ड प्राइमर दे सकते हो। तो अभी आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारा ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड जो होता है ये हम इस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारा एक टाइप का और प्राइमर होता है, दैट इज़ आई प्राइमर। जब हम आई मेकअप करते हैं उसमें भी प्राइमर ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये हमारा जो एरिया है 95% ऑफ द पीपल का यहाँ पे ऑयल आता ही आता है, यहाँ पे लाइंस बनती ही बनती है, आई मेकअप ख़राब होता ही होता है। तो अब उसमें भी हमें इस वजह से प्राइमर ज़रूरी है, बिना प्राइमर के हम आई मेकअप को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो मोस्टली जो हमारे आई प्राइमर्स होते हैं वो जेल बेस्ड या हाइड्रेटिंग होते हैं, मोस्टली ना 80% केसेस आपके जेल बेस्ड के ही होते हैं। तो जो आपको आई प्राइमर लेना है वो भी आपको जेल बेस्ड लेना है, ये चीज़ आपको अपने माइंड में फिट करनी है। और ये आपका हो गया आज का स्किन टाइप एंड स्किन प्रेप का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगी टाइप ऑफ फाउंडेशंस एंड कलर थ्योरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और एंड में अभी मैं आपको सारे सजेशंस दिखा दूंगी कि किस किस टाइप के हमारे पास प्राइमर्स एंड फाउंडेशन, सॉरी प्राइमर्स एंड सीटीएम होता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अराउंड 2-3 डेज में आपको नेक्स्ट वीडियो ला के दूंगी, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, और अगर आपको पसंद आई हो या कोई डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी उस पर, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर कर लूँगी। थैंक यू।